तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे लोग कि एकेडमिक कैलेंडर आईआईटी मंडी के बेसिकली ये आईआईटी मंडी का एकेडमिक कैलेंडर है जिसमें और सेमेस्टर अगस्त से दिसंबर 2023 यानी जो सेशन होने वाला है 2023 में अगस्त से दिसंबर के बीच में ये और सेशन के एकेडमिक कैलेंडर के बात किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें सेशन की शुरुआत हो रही है 7 अगस्त से, ठीक है, क्लासेस शुरू हो जाएंगे 7 अगस्त से। उससे पहले ये एग्ज़ाम रिजल्ट और एपीसीएस या डीसी रिपोर्ट ये सब सबमिट करने का, ये टीचर्स का हो गया काम। अभी बेसिकली बच्चों का क्लास शुरू होगा 7 अगस्त से, ठीक है। 7 अगस्त से ऐड एंड ड्रॉप कोर्सेज, जो कोर्सेज होंगे उन्हें मतलब जो जो भी कोर्सेज बच्चों को चूज करना है या जो जो चूज कर सकते हैं उनमें से कुछ छोड़ना है तो वो सब शुरू हो जाएंगे। और 8 अगस्त होगा लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिट, फीस सबमिट का अंतिम डेट 8 अगस्त को होगा। फिर 12-13 को छुट्टी रहेगा और 15 को इंडिपेंडेंस डे के कारण छुट्टी रहेगा। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर में ये सारे छुट्टी के दिन हैं यानी सैटरडे संडे आता हम छुट्टी रहता है। 21 होगा लास्ट डेट ऑफ एड एंड ड्रॉप कोर्सेज, जो बच्चे कोर्सेज चूज किए होंगे या जो छोड़ना चाहते होंगे वो सबको फाइनल डेट 21 होगा। यहाँ तक बच्चों को अपना कौन कौन सा कोर्सेज लेने हैं कौन कौन से कोर्सेज नहीं लेने हैं ये सब डिसाइड कर लेना होगा। 8 अगस्त को बच्चों को सीसीएम फिल करना होगा। सीसीएम क्या होगा कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं लोग वो बच्चों को कितना पसंद आ रहा है इसके आधार पर बच्चे रेटिंग देते हैं लोग, ये होता है सीसीएम। तो ये 28 को 8 हो गया, ये सीसीएम को पूरा वीक ही चलेगा इतना, ठीक है। इसमें बच्चे टीचर्स को फीडबैक फॉर्म भरेंगे लोग। अब आगे सितंबर के बाद तो इसमें कुछ 2 दिन 2 और 3 को छुट्टी रहेगा। उसके बाद जन्माष्टमी को 7 को छुट्टी रहेगा। ये सारे जो भी ब्लैक कलर में सब छुट्टी के दिन से, फिर ये रेगुलर क्लासेस चलेंगे इसमें छुट्टी रहेंगे। फिर 25, 26 और 27 को मिड सेम होगा। उसके बाद 28 को छुट्टी रहेगा और 29 को मिड सेम रहेगा। तो यानी 4 दिन मिड सेम होंगे सारे बच्चे, मतलब आईटी में जो भी बच्चे होंगे सबके मिड सेम इन्हीं 4 दिनों में पड़ेंगे। फिर ये ब्लैक जो भी कलर में है वो सब छुट्टी के दिन से। फिर 2 अक्टूबर को अगेन छुट्टी का दिन, ये यानी इस बार 1 भी छुट्टी 2 भी छुट्टी और 30 भी छुट्टी, ये लगातार 3 दिन छुट्टी मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए तो 13, 14, 15 इस तीनों दिन में रणनीति का आयोजन होगा। रणनीति मतलब आईआईटी मंडी का एक स्पॉट फेस्ट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे आते हैं आईआईटी मंडी के बच्चों के साथ मिलकर। बहुत सारे स्पोर्ट्स हो गए जैसे क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और भी बहुत सारे खेल खेलते हैं लोग, उनमें जो जीतते हैं उन्हें सर्टिफिकेट प्राइज सब मिलता है। उसी तरह 24 को दशहरा का छुट्टी रहेगा। और ये लिखा हुआ है 25 ट्यूजडे शेड्यूल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्यूजडे का शेड्यूल बाकी रह गया होगा यहाँ पे 24 के समय जो ट्यूजडे का शेड्यूल बाकी रह गया उसे कंप्लीट कराया जाएगा 25 को, ठीक है। फिर देखा जाए तो 12 को दिवाली कारण छुट्टी है, 11 को ऐसे ही छुट्टी है सैटरडे कारण। उसके बाद 20 को फिर से टीसीए पे स्टार्ट होगा। टीसीए भी बेसिकली लास्ट डेट ऑफ टीचिंग, यहाँ 24 तक टीचिंग का लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी और 25, 26, 27 को छुट्टी रहेंगे। और उसके बाद 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 इन दिनों में इंटरसेम के एग्जाम्स होंगे। 6 को होगा स्टूडेंट्स का वैकेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन मेकअप एग्जाम जिन बच्चों का छूटा होगा उन बच्चों का एग्जाम्स होने लगेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो रुके रहेंगे। अभी फाइनल सीसीएम इस दिन तक भरा जाएगा और ग्रेड सबमिशन मतलब टीचर्स ग्रेड सबमिट कर देंगे लोग जो डीन है उनके पास 9 तक, और 10 को वैकेशन वैकेंस फॉर फैकल्टी, फैकल्टी के लिए यहाँ से 10 से वैकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इसमें प्रोजेक्ट कर रहे होंगे लोग वो
भाई जब तक टीचर्स नहीं जाए तब तक तो रुकेंगे ही लोग, लेकिन अगर मन है कुछ अच्छा करने का तो वो इस बीच भी रुकेंगे लोग, वो घर नहीं जाते हैं लोग, इसमें रुक जाते हैं लोग, तो ऐसा भी होता है। तो ये रहा और सेमेस्टर का, तो ये डिस्कशन हुआ आईटी मंडी के और सेमेस्टर का, जो अगस्त से दिसंबर 2023 के बीच होगा, यानी बच्चों बच्चे की पढ़ाई 7 से शुरू होगी और फाइनल मान के चला जाए तो 6 तक, 6 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो मैं इसके बारे में बता दूँ, ठीक है? तो वर्क हाई बेसिकली एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, आप अगर इन्हें बनाइएगा तो इन्हें सीखने काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है इन क्वेश्चंस में। अगर आप कंप्यूटर साइंस चुनते हैं तो इन क्वेश्चंस में आपको बेसिकली वेब डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहेंगे और भी बहुत सारे डोमेन से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ कर बनाते हैं तो काफ़ी मतलब बेनिफिट मिलेगा कॉलेज प्लेसमेंट या किसी भी तरह के एग्जाम्स में। और बेसिकली एक और फायदा इसका है कि अगर आप वर्क हाइप से जुड़कर उसके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 30 रुपीज़ मिलेंगे। इससे आप चाहे तो अपने पॉकेट मनी भी जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो अपना खर्चा उठा पाएँ, तो आपको बेसिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और जो भी क्वेश्चन एक्सेप्ट होंगे उनके लिए आपको 30 रुपीज़ दे दिए जाएंगे। अगर आप भी इसमें जुटना चाहते हो तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, वहाँ से मैं आपके आगे के प्रोसेस के बारे में बता दूँगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।